यमन क्राइसिस और सिविल वॉर के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। यमन में अरब स्प्रिंग के बाद सिचुएशंस बिगड़ती गई हैं और 2015 में सिविल वॉर शुरू हुआ। इस तरह यमन एक बैटल ग्राउंड बन चुका है और अब तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस रेजिंग वॉर के कारण दुनिया में सभी देश परेशान हैं और यूनाइटेड नेशंस लगातार ह्यूमैनिटेरियन, डिप्लोमेटिक और लॉजिस्टिकल हेल्प करता रहा है ताकि यमन में पीसफुल सॉल्यूशंस किए जा सके। रिसेंटली कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में यमन के साउथ में बाबिल मंदेब स्ट्रेट में मौजूद मयून आइलैंड पर एक एयर बेस दिखा है। सैटेलाइट फोटोज में नजर आ रहा है इस बेस को हालांकि फिलहाल किसी भी देश ने क्लेम नहीं किया है, पर न्यूज़ रिपोर्ट इसकी लगातार एनालिसिस कर रही है। तो दोस्तों, क्या होगी इस एयर बेस की इंपॉर्टेंस और इससे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और ग्लोबल ट्रेड पर क्या फर्क पड़ेगा, चलिए समझते हैं। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हियर इज द लिंक, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। मयून आइलैंड में एक एयर बेस नजर आया है। एसोसिएटेड प्रेस ने प्लैनेट लैब्स द्वारा ली गई सैटेलाइट इमेजेस प्राप्त की हैं, जिसमें 11 अप्रैल 2021 को 1.85 किलोमीटर लॉन्ग रनवे पर डंप ट्रक्स और ग्रेडर बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। यमन के साउथ में एक वोल्केनिक आइलैंड पर इस एयरबेस का होना मिस्टीरियस है, क्योंकि किसी भी देश ने अब तक इस पर क्लेम कर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। ये एयरबेस दुनिया के एनर्जी शिपमेंट्स और कमर्शियल कार्गो की ट्रेडिंग के क्रूशियल मैरिटाइम चोक पॉइंट्स में से एक है, जिससे एयरबेस की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। हालांकि बाबिल मंदेब स्ट्रेट में लोकेटेड मयून आइलैंड, जिसे पैरेम आइलैंड भी कहते हैं, उसको किसी देश ने नहीं अपनाया है। पर सालों पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई ने 5.6 किलोमीटर लंबे आइलैंड पर रनवे बनाने के अटेम्प्ट्स किए थे, जो अटेम्प्ट शिपिंग ट्रैफिक से जुड़े थे। ये काम 18 मई 2021 तक लगभग कंप्लीट हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लेंथ के रनवे से अटैक, सर्विलेंस और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को अकोमोडेट किया जा सकता है। इस एयरबेस के लिए शुरुआती एफर्ट्स 2016 के एंड में नजर आते हैं, जब वर्कर्स ने 3 किलोमीटर लंबा रनवे बनाने की कोशिश की थी। इस रनवे से हैवीएस्ट बॉम्बिंग हो सकती है। यमन के इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का कहना है कि इस एफर्ट के पीछे भी अमीरातीज हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2019 में यूएई ने सऊदी अरेबिया लेड मिलिट्री कैंपेन से अपने ट्रूप्स विदड्रॉ कर लिए थे, जो यमन के हाउथीज रिबेल के खिलाफ लड़ रहे थे। यमन में मिलिट्री ऑफिशियल्स ने शुरुआत से ही कहा है कि रनवे यूएई ने बनाया है। एसोसिएटेड प्रेस से कुछ ऑफिशियल्स ने बताया, उन्होंने मयून आइलैंड पर रिसेंटली कई अमीराती शिप्स को मिलिट्री वेपन्स, इक्विपमेंट और ट्रूप्स ट्रांसपोर्ट करते हुए देखा है। जेन्स नामक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कंपनी के मिडिल ईस्ट एडिटर जर्मी बिनर का कहना है कि ये लोग एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक एम के साथ रिलेटिवली परमानेंट प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने की फिराक में है। जर्मी सालों से मयून आइलैंड को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एयरबेस का होना केवल यमन वॉर के लिए नहीं बल्कि शिपिंग सिचुएशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक एयरबेस से रिलेटेड क्वेरी पर अमीराती ऑफिशियल्स ने कोई कमेंट नहीं किया है, और कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि मयून आइलैंड पर रनवे होने से मेनलैंड यमन में एयर अटैक्स लॉन्च किए ही जा सकेंगे, पर इससे रेड सी, द गल्फ ऑफ एडन और ईस्ट अफ्रीका में कोई भी ऑपरेशन किया जा सकेगा। यूएई और यमनी प्रेसिडेंट अब्दराबू मंसूर हादी के बीच रिसेंटली टेंशन भी डेवलप हुए हैं, जब अमीरातीज ने यमनी गवर्नमेंट से मयून आइलैंड को लीज पर देने के लिए 20 साल का लीज एग्रीमेंट साइन करने की मांग की थी। दोस्तों, जैसे कि हमने बाबिल मंदेब स्ट्रेट में लोकेटेड मयून आइलैंड पर एक एयरबेस और उसके पीछे के देश को लेकर चर्चा की है, अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि मयून आइलैंड की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले, इस आइलैंड का कन्फ्रंटेशन ऑनगोइंग यमन सिविल वॉर या यमन क्राइसिस को लेकर होना तय है, क्योंकि इस पर प्रेजेंस किसी भी देश की हो, यमन क्राइसिस में सीधे इंटरवीन करने के लिए इससे जियोग्राफिकल एडवांटेज रहेगा। हालांकि यमन क्राइसिस के अलावा भी इस आइलैंड पर रनवे और एक एयरबेस का प्रेजेंस ओनर कंट्री को स्ट्रेट पर एक एडवांटेज देता है, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और ईस्ट अफ्रीका में ऑपरेशंस करने के लिए। दोस्तों, यमन में सिविल वॉर 2015 में शुरू हुआ था, जिसके कई पहलू रहे हैं। हम इन पहलुओं पर गौर करेंगे और ये भी समझेंगे कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रिजीम के सपोर्ट में कौन कौन से देश हैं। हम हौती मूवमेंट और उसके एलाइज पर भी बात करेंगे। यमन का सिविल वॉर अरब स्प्रिंग का एक इम्पैक्ट है। अरब स्प्रिंग के बाद दरअसल यमन में भी प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुए, जिसके बाद एक पॉलिटिकल टेंशन हुआ। लोगों को लगा कि ट्रांजिशन से यमन में स्टेबिलिटी आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। दरअसल 2010 से 11 के बीच में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए और अपस्प्रिंग्स को कलेक्टिवली अरब स्प्रिंग कहा जाता है। इसके दौरान रीजन में कई अथॉरिटेरियन रजीम्स को चैलेंज किया गया था। अरब स्प्रिंग की शुरुआत ट्यूनीशिया और इजिप्ट में हुई थी,
जिसमें उस वक्त की रेजिम्स को हटा दिया गया था। इससे इंस्पायर होकर अरब कंट्रीज में भी सिमिलर अटेम्प्ट्स किए गए। हालांकि हर देश में इस मूवमेंट को सक्सेस नहीं मिली और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रीवेंसेज में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर कई देशों में उनके ही देश की सिक्योरिटी फोर्सेज ने वायलेंट क्रैकडाउन किए। ऐसी ही एक अपराइजिंग 2011 में यमन में हुई थी। जनवरी 2011 में ट्यूनिशिया में एक पॉपुलर अपराइजिंग हुआ जिसे जैस्मिन रिवॉल्यूशन कहते हैं, जिसका रिजल्ट ये था कि प्रेसिडेंट जीन अल अब्दीन बिन अली का पावर खत्म हो गया। इसके बाद सिमिलर प्रोटेस्ट इजिप्ट में भी हुए, जब सना और कई यमनी सिटीज में प्रोटेस्टेंट ने प्रेसिडेंट सलेह को रिजाइन करने के लिए कहा। हालांकि यमन में अरब स्प्रिंग का रूप इजिप्शियन और ट्यूनिशियन प्रोटेस्ट से अलग रहा। इजिप्ट और ट्यूनिशिया में तो फिर भी प्रोटेस्ट की लीडरशिप थोड़ी सेंट्रलाइज रही, पर यमन में यह प्रोटेस्ट ऑपरेशन ग्रुप्स के कोलिशन ने लीड किया। यमनी प्रोटेस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच शुरू से ही थोड़ा बहुत वायलेंस होता रहा है। दोस्तों, यमन सिविल वॉर कॉन्फ्लिक्ट के रूट्स इसी पॉलिटिकल ट्रांजिशन का फेलियर है जो यमन स्प्रिंग के द्वारा आए। अरब स्प्रिंग में प्रोटेस्टर्स ने जब अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सलेह को पावर अपने डिप्टी अब्दरबू मंसूर हादी को हैंडओवर करने की मांग की, तो ऐसा 2012 में हुआ। पर मिस्टर हादी यमन में कई इश्यूज से डील करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें साउथ में सेपरेटिस्ट मूवमेंट, सलेह को सिक्योरिटी पर्सनल की लॉयलिटी का कंटिन्यू रहना, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी और जिहादिस्ट अटैक से डील करना था। इसमें वे सक्सेसफुल नहीं रहे। हाउथी मूवमेंट के लीडर्स, जिसमें पिछले दशक में सलेह के खिलाफ कई रिबेलियन शुरू किए थे, नए प्रेसिडेंट की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए सादा और नेबरिंग इलाकों में एडवांटेज लेकर कंट्रोल लेने लगे। हाउथी मूवमेंट, जिसे फॉर्मली अंसार अला भी कहते हैं, यमन की जायदी शिया मुस्लिम माइनॉरिटी के सपोर्ट में रहता है। दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच पावर के ट्रांजिशन से कन्फ्यूज ऑर्डिनरी यमनीज, जिसमें सुन्नी मुस्लिम्स भी थे, हाउथीज को सपोर्ट करने लगे और 2014 से 15 में सना पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हाउथीज और सिक्योरिटी फोर्सेस, जो सलेह के सपोर्ट में थे, पूरे देश में कंट्रोल लेने के लिए अटेम्प्ट किए, जिसके बाद मिस्टर हादी मार्च 2015 में देश छोड़कर चले गए। सिक्योरिटी फोर्सेस तो मिस्टर सलेह के लॉयल थे ही, हाउथीज भी पावर फिर से हासिल करने के लिए सलेह के सपोर्ट में आ गए थे। हाउथीज पहले भले ही सलेह के खिलाफ रिबेलियंस कर चुके थे, पर सिविल वॉर के पीछे इस मूवमेंट के यू टर्न का भी हाथ था। इस डिस्टर्बेंस के चलते सऊदी अरेबिया और सुन्नी डोमिनेटेड 8 अरब स्टेट्स ने हाउथी ग्रुप के राइज और उससे एलिज्ड शिया डोमिनेटेड ईरान के सपोर्ट के खिलाफ एयर कैंपेन शुरू किया, ताकि हादी गवर्नमेंट रीस्टोर हो और ईरानियन इन्फ्लुएंस यमन पर खत्म हो जाए। इस कोलिशन को US, UK और फ्रांस ने लॉजिस्टिकल और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया था। शुरू में सऊदी ऑफिशियल्स को लगा कि ये कुछ हफ्तों का मामला है, पर यमन का ये सिविल वॉर अब तक चल रहा है जो 2015 में शुरू हुआ था। दोस्तों, यमन क्राइसिस में हजारों लोगों की जाने गई हैं। US बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट ACLED ने अक्टूबर 2019 में एक रिपोर्ट में कहा कि 2015 से अक्टूबर 2019 तक 100,000 से ज्यादा लोगों की जाने जा चुकी हैं। 23,000 जान केवल 2019 में गई। UN के मुताबिक 2020 में मार्च तक 7,700 सिविलियंस की डेथ हुई थी। इसके अलावा 24 मिलियन लोग, जो टोटल पॉपुलेशन का करीब 80% है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और प्रोटेक्शन चाहते हैं। और इतना ही नहीं, इस सिविल वॉर के चलते UN के मुताबिक लगभग 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली से दूर हो चुके हैं। कोविड-19 पैंडेमिक ने स्थिति को और बेकाबू कर दिया है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक कोरोना वायरस डेथ टोल वॉर, अदर डिजीजेज, हंगर से पिछले 5 साल में हुई डेथ्स को ओवरटेक कर सकती है। ये दुनिया के लिए चिंताजनक बात है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में पॉलिटिक्स वॉलेटाइल है। इस तरीके के स्टेप्स रीजनल टेंशन को बढ़ा सकते हैं, जिसे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट से शिया रूल ईरान और सुन्नी रूल सऊदी अरेबिया के बीच के स्ट्रगल पर भी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, यमन की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को कोई नहीं नकार सकता, क्योंकि इसकी लोकेशन रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से लिंक करने वाले स्ट्रेट में है, जहां से दुनिया भर में ऑयल शिपमेंट्स होते हैं। इस आइलैंड में हो रही एक्टिविटीज से रीजनल डिस्टर्बेंस पैदा हो सकता है। गाजा स्ट्रिप में रिसेंटली इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट एक बार फिर पनपा था। हालांकि अब शांति है, पर ऐसे में रीजन में कोई भी सेंसिटिव एक्टिविटी बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।